गुड मॉर्निंग सभी पेरेंट्स को, बच्चों को भी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हम वापस ऑनलाइन क्लास चालू कर रहे हैं आपका, और सिलेबस जो कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको भेज दिए हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ आज ऑनलाइन, क्योंकि आप लोग जो बच्चे घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, वो बच्चे कितने पीछे हैं मैं एक एक करके दिखाऊंगा। डेली बच्चे स्कूल में आते हैं, अपना वर्क चेक कराते हैं, ऑनलाइन वर्क कम्प्लीट करते हैं। तो आज मैं बच्चों की नोटबुक्स को ला के चेक कर रहा था। कई दिनों से बच्चे आते हैं जो समझ में नहीं आता, पढ़ के भी चल जाते हैं स्कूल में। डेली 2 घंटे 2.5 घंटे बच्चे आते हैं, जो टॉपिक समझ में नहीं आता हम उनको पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स हॉस्टल में ही रहते हैं, सब पढ़ाते हैं। तो मैं एक एक करके आज आपको दिखाऊंगा बच्चों ने कितने अच्छे से वर्क कम्प्लीट करके दिखाया। कम बेटा, हम 8th 9th 10th नर्सरी LKG सभी बच्चे आते हैं और अपना वर्क कर रहे हैं। मैं ये इसीलिए बताना चाह रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, मास्क पहने। ये देखिए डेली डेली हर सब्जेक्ट वाइज पूरे वर्क कंप्लीट है। टीचर से आके बकायदा देखिए डेट वाइज चेक करवाती है बच्ची नोटबुक की, क्लास 8 की अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस। ये आपके कौन से सब्जेक्ट है बेटा? साइंस। कंप्लीट है पूरा? Yes, पूरा? Yes, पूरा कोर्स कंप्लीट करके बच्ची ने रख दी है। टीचर्स हेल्प करते हैं इनको डेली। हाँ, टीचर्स आते हैं, साइंस के भी टीचर आते हैं, मैथ्स के भी आते हैं, इंग्लिश के भी आते हैं, हिंदी के आते हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट के टीचर्स यहाँ बच्चों को पढ़ाने डेली आते हैं। जो बच्चों को घर में नहीं समझ में आ रहा वो आके यहाँ पढ़ सकते हैं। अब देखिए जैसे ये इसका सब्जेक्ट है SST, SST भी इसका पूरा कंप्लीट है, वेल चेक्ड है। तो जो बच्चे घर में है नहीं कर रहे हैं वो फिर पीछे रह जाएंगे। मैथ्स सूरत सर यहीं रहते हैं, कोई भी टॉपिक नहीं समझता है, बच्चे आके उनसे पढ़ के जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। नहीं, ऑनलाइन फिर से चालू कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा ये बच्चे उठा रहे हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं उठाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। आपके बच्चे को नहीं समझ रहा है आप डेली हमारे पास भेजिए, हमको फोन करिए या हम टीचर भेज देंगे, या जरूरत पड़े तो हम आपको यहाँ बुला के पढ़ाएंगे पूरी सेफ्टी से। ये क्लास 8 की बच्ची है, मैं आपको क्लास वाइज दिखाऊंगा। 7 से कोई बच्चा आया है क्या? 7 प्लीज आ जाओ, हर्ष आ जाओ, हर्षवर्धन आप आओ। हाँ यार, वेरी गुड बेटा। अब ये देखिए ये 7 से है, इसकी नोटबुक देखिए पूरी। ये ग्रामर की है बेटा? कौन सा ग्रामर? इंग्लिश। अच्छा सॉरी, इंग्लिश की है कंप्लीट। ये ग्रामर की है कंप्लीट। ये चेक करवाओ बेटा, आपकी चेक नहीं है। सब्जेक्ट वाइज देखिए इसकी पूरी नोटबुक कंप्लीट है। कंप्लीट क्यों है? ये ऑनलाइन क्लास को रेगुलर अटेंड करते हैं और ऑनलाइन में जो नोट्स डाले जाते हैं उससे कंप्लीट करके रखे हैं। जब स्कूल खुलेगी, अगर आपकी नोटबुक कंप्लीट है तो लेसन एक्सप्लेन करके कोर्स कंप्लीट करने में हमें 2 से 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। लेकिन किस कंडीशन में? जब आपकी नोटबुक ऐसे कंप्लीट लगेगी। दिखाइए बेटा, क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा। हाँ देखिए पूरी नोटबुक कंप्लीट है, चेक्ड है, कंप्लीट है, चेक्ड है। ये 7th क्लास पूरी नोटबुक कंप्लीट है, चेक्ड है, कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आपका ऑनलाइन में कंप्यूटर भी स्टार्ट हो जाएगा। ये वेल कंप्लीट है, पूरी नोटबुक्स इनके सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट है। आप देखिए ये इस सत्र की है, ये भी बच्चे उसी तरीके से क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ते, ये नोटबुक ये किसी जीके, अच्छा जीके और कंप्यूटर कल से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, अभी चालू नहीं। ये देखिए ग्रामर है, तो लगभग हर सब्जेक्ट इनका कंप्लीट है। 7th है, 6th से या 5th से कोई बच्चा है? 5th। हाँ आ जाओ बेटा। हाँ वेरी गुड। ये जो जो बच्चे अपनी नोटबुक चेक कराने आते हैं, चेक कराने आ जाते हैं, कुछ नहीं समझता है, पूछ के जाते हैं स्कूल में। अब ये देखिए डेट वाइज इस बच्चे की पूरी नोटबुक। आप कौन सी क्लास में? 6th में। अब ये देखिए पूरी इसकी नोटबुक है। कौन से सब्जेक्ट की? पूरा कोर्स कंप्लीट है इसका साइंस का। जब स्कूल खुलेगी टीचर एक्सप्लेन करना है, बस उनको लेसन समझना है। अब नोटबुक कंप्लीट लगेगी तो टीचर्स को लेसन एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लगेगा। ये इसकी SST है बेटा? इंग्लिश। सॉरी, और ये पीछे इंग्लिश ग्रामर, दोनों एक में बनाए। वेरी गुड। जीके, जीके कंप्यूटर अब स्टार्ट। हाँ तो आपकी लगभग सब कंप्लीट है नोटबुक। क्या नाम है आपका? नितिन भाटी। ओके वेरी गुड। तो ये बच्चों की वर्क देखिए किस तरीके से अच्छे से कंप्लीट है नोटबुक। तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ। और कोई छोटा बच्चा आएगा? 3rd 4th 5th का कोई बच्चा है? आ जाओ मेरे पास, आते जाओ एक एक करके आते जाओ। आ जाओ। देखो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस माध्यम से कि ये बच्चों की वर्क देखो। आप कौन सी क्लास में बेटा? 4th में। क्या नाम है आपका? रश्मिता। देखिए इन बच्चों ने पूरी नोटबुक्स अपनी कंप्लीट कर रखी है। डेली 2 घंटे पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है तो यहाँ रोज आके पढ़ते हैं। जो टॉपिक नहीं समझ में आता ऑनलाइन में आके पढ़ते हैं। ऑनलाइन बीच में बंद हुआ था, फिर आज से चालू करेंगे। देखिए इनकी नोटबुक टीचर्स कितने अच्छे से चेक कर रहे हैं। हम सोचेंगे कि नहीं घर बैठे रहे हैं, ऑनलाइन में नहीं समझ रहे, ठीक है कई टॉपिक ऑनलाइन में नहीं समझते, आप प्लीज भेजें या टीचर्स को कॉल करें। टीचर्स घर जाके, कई बच्चों को टीचर्स ने घर जाके कंप्लीट किए। ये क्लास 4th की बच्ची की नोटबुक देखिए,
बच्चे हाँ जीके कंप्यूटर अब स्टार्ट होगा बेटा, ठीक है ना। इसके बाकी हर सब्जेक्ट में वो कंप्लीट है आपका, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? लक्ष्य चौहान। कौन सी क्लास में? थर्ड में। आपकी पूरी नोटबुक कंप्लीट है। अभी ये देखिए इसकी पूरी नोटबुक्स को देखिए, छोटे छोटे बच्चे। कंप्यूटर में अभी चल रहा है? कंप्यूटर में चल रहा है आज। आज से चलूंगा कंप्यूटर? सर परसों से चलूंगा। परसों से आपको क्लास होगी। तो ये चीज देखिए पूरी नोटबुक कंप्लीट है। वो आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे। ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा प्लीज हमें कॉल करिए, टीचर्स घर जाके पढ़ाएंगे। नहीं जरूरत पड़ा तो टीचर्स यही रहते हैं, आपको अलग से टाइम देके विद सेफ्टी। हम भी यहाँ बच्चों को बुलाते हैं तो बच्चे कम ही बुलाते हैं। टीचर्स को जिम्मेदारी दी हुई है, हॉस्टल में टीचर्स रहते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जब बच्चे आएंगे तो उनको आपको पढ़ा के टॉपिक्स को समझाना है पूरी सेफ्टी के साथ। लेकिन पेरेंट्स भी ध्यान दीजिए, मैथ्स है पूरी कंप्लीट है, हर नोटबुक को कंप्लीट करके रखा हुआ है, हर नोटबुक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट है। आप क्या नाम है बेटा आपका? सोनू सोजी। कौन सी क्लास में आप? थर्ड में। आप आद्या सिंह। कौन सी क्लास में? फर्स्ट। आपकी पूरी नोटबुक कंप्लीट है। अब देखिए ये बच्ची का डेली का वर्क चालू है, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये मैथ्स, ये डेली क्लास फर्स्ट के बच्चों का भी चल रहा है। तो ये छोटी छोटी क्लास। आप कौन सी क्लास में बेटा? आइए अपनी नोटबुक देखिए, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आद्या सिंह। ओके आ जाओ। क्या नाम है आपका? हर्ष जैन। क्या बात है, आपकी भी पूरी वर्क कंप्लीट है पूरा, ये मैथ्स, ये हिंदी, ईवीएस, ये फटा कैसे है, ध्यान से नोटबुक को कवर करवाइए, ठीक है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। अब देखिए क्लास कौन सी है बेटा आपके? सेकेंड। हर क्लास के बच्चे यहाँ खड़े हैं जो अपना वर्क आके डेली चेक कराते हैं। आप आइए बेटा, दोनों छोटे बच्चे इधर आइए, आ जाओ, वेरी गुड, आप क्लास में जाओ, वेरी गुड। तो ये मैं नोटबुक दिखाने का रीजन क्या है? आपका नाम क्या है बेटा? क्या नाम है आपका? नोटबुक दो, आपकी नोटबुक्स का है। क्या नाम है आपका? निराली भाटी। कौन सी क्लास में? एलकेजी। अब ये एलकेजी की भी बच्ची देखिए, इसका पूरा कर्सिव राइटिंग कंप्लीट है। आते हैं बच्चे, हम लोग मना नहीं करते, पूरी सेफ्टी के साथ बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो नहीं आ सकते दूर में, हम घर जाके भी पढ़ा रहे हैं। इनमें कई बच्चे जो घर जाके पढ़ाते हैं, और आज मैं उनकी नोटबुक मंगवाया था आप लोग को दिखाने, जो टीचर्स घर जाके पढ़ा रहे हैं, मतलब उनको पूरा समझ में आता है, पढ़ाते हैं तो पूरा समझ में आता है आपको मैम? निराली बोलती ही नहीं है। यस, आपका नाम क्या है बेटा? भावेश मीना। इधर आओ, आपको ये रोज पढ़ते हैं, ये आपका पूरा वर्क कंप्लीट है। अब इस भावेश मीना का मैं बताऊं, ये बच्चे का मैं डेली देखता हूं, घर से पेरेंट्स फोटो मेरे को डेली भेजते हैं, यहाँ पे पढ़ता है, घर में भी 3 घंटा डेली पढ़ता है, क्यों? पेरेंट्स देखे। आप कौन सी क्लास में भावेश? यूकेजी। यूकेजी में। तो आपको मैं दिखाऊं, ये इसका इंग्लिश का वर्क है, ये उसका हिंदी का डेली वर्क है, ये इसका मैथ्स का वर्क देखिए डेली है, कि बच्चों की स्टडीज चालू रहेगी तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हमने आपको सिलेबस भेजे। आप आओ बेटा, आप कौन सी क्लास में? फिफ्थ में। हाँ ठीक है, आपकी भी वर्क पूरी कंप्लीट है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो समझ में पूरा आता है, ठीक है। ये भी बच्चा ऐसा है जो टॉपिक नहीं समझ में आते, स्कूल में आके बच्चे पूछ के जाते हैं, और हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स ये नोटबुक दिखा, आपका क्या नाम है बेटा? दिव्या। क्या? दिव्या पवार। दिव्या टा, सॉरी दिव्या टा का। इसका भी वर्क देखिए, डेट वाइज पूरी नोटबुक इसकी कंप्लीट है, यहाँ आके टीचर से चेक करा के जाती है, ये हिंदी थी, ये इंग्लिश है, सॉरी ईवीएस है, ये इसके मैथ्स की नोटबुक है। तो इस तरीके से बच्चे डेली, ये नोटबुक दिखाने का रीजन ये रहा है कि आज हमने इतने सारे टीचर्स रखे हैं कि अगर बच्चों, इनमें कई बच्चे जिनके घर में जाके हम पढ़ा के आ रहे हैं, ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा, मैं इसलिए ये वीडियो भेजना चाह रहा हूँ आपको, प्लीज ये वीडियो को देखिए, इसलिए भेजना चाह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक्स नहीं हो रहे आपके बच्चों को नहीं समझ में आ रहे, प्लीज हमें बुलाइए, हम आके पढ़ाएंगे, नहीं होगा तो हम आपके बच्चों को स्कूल में, जैसे टीचर्स हॉस्टल में रहते हैं वहां बुला के हम आपके बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे। आप फीस को सेकेंडली रखिए, पहले अपने बच्चे की पढ़ाई को रखिए सर, क्योंकि गैप होने के बाद क्या हो जाएगा, बच्चे भूलेंगे और भूल भी रहे हैं। मैं अपनी डॉटर का बता रहा हूँ, एकदम भूल गई थी, बड़े मुश्किल से उसको हम अभी लाइन पे लेके आए, गैप हो गया था पढ़ाई में, वो मेरा छुट्टी पे चली गई थी बच्ची, तो ये सभी बच्चों के साथ हो रहा होगा। ऑनलाइन में एक सोल्यूशन नहीं मान रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन की हेल्प से हम बच्चों की पढ़ाई को थोड़ा बहुत आगे ले जा सकते हैं।
अगर ज्यादा गैप होगा आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कल को वो बच्चा आप हमारे पास भेजोगे हमसे रिजल्ट की उम्मीद करोगे, लेकिन हम रिजल्ट उस तरीके का नहीं दे पाएंगे अगर बच्चों में ज्यादा गैप हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो अभी का तो पढ़ ही नहीं रहे, पुराना भी भूलते जा रहे हैं। इसलिए बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, एग्जाम दिए बिना बच्चे पास नहीं होंगे। प्लीज इस पेरेंट्स इस चीज को समझे, एग्जाम दिए बिना कोई बच्चा पास नहीं होगा। मैं आज से फिर से ऑनलाइन चालू कर रहा हूँ, कई पेरेंट्स कल आए थे कि सर हमने पहले अटेंड नहीं किए, तो हम लोग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है फिर से शुरू से भेज रहे हैं, पर डे दो दो सिलेबस। टाइम टेबल भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, मंडे को किसका जाएगा, ट्यूजडे किसका जाएगा, वेडनेसडे किसका जाएगा, तो फिर से आपको वापस से चालू कर रहे हैं। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है प्लीज हमसे फोन पे भी पूछ सकते हैं, टीचर्स को घर पे भी बुला सकते हैं या स्कूल में भी आके समझ सकते हैं। पेरेंट्स इस चीज को प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, सीरियस लीजिए, अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है हम आपके साथ खड़े, ठीक है। तो मैं ये वीडियो को यहीं खत्म करूंगा, अभी आपको वीडियोस आज से ही जाना चालू हो जाएंगे, टाइम टेबल अभी थोड़ी देर में चल जाएगा। एलकेजी यूकेजी बच्चों का भी सिलेबस भेज दिए हैं, एग्जाम 15 मई के बाद होंगे, इसलिए अभी भी हमारे पास समय है। अगर स्कूल खुलती है, नोटबुक कंप्लीट रहेगा, तो हम 2 से 3 महीने में फुल कोर्स कर देंगे। ये कोर्स जो गवर्नमेंट ने दिया उसके बाद वाला कोर्स भी हम कंप्लीट कर देंगे, अगर 2 से 3 महीना अगर मिल जाता है तो। और नोटबुक कंप्लीट रहेगी तो आपके बच्चों के ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा, हम प्रॉपर तरीके से लेसन एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए प्लीज नोटबुक को कंप्लीट रखें, जरूरत पड़ने पे हमें बुलाएं, हम घर आके नोटबुक को चेक करेंगे, कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो समझाएंगे। एक वीक में आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए टीचर को 2 बार बुला सकते हैं अपने घर पे, जो भी सब्जेक्ट टीचर को बुलाना चाहे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई को सीरियस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।